अगस्त 5 को जेएंडके का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और उसी दिन ये ऐलान हुआ था कि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी और 90 सीटें की जाएंगी जम्मू कश्मीर के अंदर और डिलिमिटेशन करके जम्मू प्रांत की सीटों को बढ़ाया जाएगा क्योंकि जम्मू का ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा है और दूसरे भी जो फैक्टर्स हैं डिलिमिटेशन को गवर्न करते हैं वो जम्मू के हित में है। लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को शुरू करने की कोई भी कोशिश तक नहीं की गई और इस इशू के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के अवाम के साथ एक विश्वासघात किया है। जम्मू का ज्योग्राफिकल एरिया जो है कश्मीर से लगभग दोगुना और यहां की 37 सीटें हैं, कश्मीर की 46 सीटें हैं। इस अनोमली को दूर करने के लिए ही डिलिमिटेशन की बात की गई थी लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई इनिशिएटिव तक नहीं लिया गया है जिसकी पैंथर्स पार्टी मुजम्मत करती है। कश्मीर में जहां 15-16 हजार वोटर्स के ऊपर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गुरेज एक मिसाल है जहां 16 हजार वोटर्स के ऊपर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन जम्मू प्रांत में 2-2 लाख वोटर के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जम्मू वेस्ट और गांधीनगर में लगभग 2 लाख वोटर्स हो चुके हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां 1.5-1.5 लाख वोटर हो चुका है जम्मू के अंदर। जरूरत इस बात की थी कि जल्द से जल्द डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू करके भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा करती और जमहूरी निज़ाम को जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया जाता, लेकिन जिस तरीके से इसकी अनदेखी की जा रही है और 5 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, पैंथर्स पार्टी उसकी मुजम्मत करती है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कटघरे में है और जम्मू के अवाम को भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। अगस्त 5 को जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, यूनियन टेरिटरी बनाया गया जम्मू कश्मीर को और उसी दिन ये ऐलान हुआ था कि जम्मू कश्मीर में 90 असेंबली की सीटें की जाएंगी, जल्द से जल्द डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई इनिशिएटिव तक इस संदर्भ में सरकार द्वारा नहीं लिया गया है और कोई भी प्रयास तक करने की कोशिश नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी का जो ऐलान था वो महज एक जुमला था। जरूरत इस बात की है कि डिलिमिटेशन जल्द से जल्द करवाया जाए, जम्मू कश्मीर की सीटें बढ़ाई जाएं, जम्मू की सीटें बढ़ाई जाएं क्योंकि जम्मू का ज्योग्राफिकल एरिया कश्मीर से कहीं ज़्यादा है, वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कश्मीर में जहां 15-15 हजार वोटर्स के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गुरेज एक मिसाल है उसकी, लेकिन जम्मू में जम्मू वेस्ट गांधीनगर जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी 2-2 लाख वोटर्स के ऊपर बनाई गई हैं। बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जम्मू प्रांत में जहां 1.5-1.5 लाख के ऊपर भी वोटर जो है वोटर्स के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है। ये बहुत बड़ा भेदभाव है अपने आप में और इसका रेक्टिफिकेशन होना बहुत लाजमी है। डिलिमिटेशन के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था लेकिन उस वादे को नकार कर भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि इसके ऐलानात जो हैं ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए होते हैं और इस रवैये की
जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है हम सख्त मुजम्मत करते हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है और पैंथर्स पार्टी डिलिमिटेशन के लिए भी लड़ाई आने वाले वक्त में लड़ेगी। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे कुंवर बाली जी हैं जिन्होंने हाल ही में पैंथर्स पार्टी ज्वाइन की थी, इनको प्रोविंस का वाइस प्रेसिडेंट पैंथर्स पार्टी जो है वो नियुक्त करती है।